इंदौर की नारकोटिक्स विंग द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध गांजे की तस्करी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से लगभग 50 किलो गांजा व दो मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। दरअसल नारकोटिक्स विंग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि राव बाईपास पर दो व्यक्ति दो अलग अलग मोटरसाइकिल से गांजा ला रहे हैं। वहीं नारकोटिक्स विंग के एसपी गीतेश गर्ग ने तुरंत एक टीम गठित कर राव बाईपास पर मुखबिर के द्वारा बताए गए हुलिये के आधार पर दो मोटरसाइकिल सवार को रोक कर चेकिंग की तो दो बोरे में करीब 50 किलो गांजा मिला, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। वहीं मोटरसाइकिल चलाने वाले दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स विंग ने दो मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए आरोपी गोकुल माली नूर अली वरला निवासी बड़वानी, जिनसे नारकोटिक्स विंग द्वारा पूछताछ की जा रही है। ये गांजा कहां से ला रहे थे और किसे देने जा रहे थे? नारकोटिक्स विंग इंदौर ने आज गांजे की कार्रवाई की है, जिसमें दो आरोपियों के कब्जे से 50 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। दोनों आरोपी गांव वरला जिला बड़वानी के रहने वाले हैं। एक का नाम है गोकुल माली और दूसरे का नाम है नूर अली। ये एक राव बाईपास के पास में पकड़ा है इन लोगों को। दो मोटरसाइकिल थी इनके पास, मोटरसाइकिल भी जब्त की। ये अलग अलग जगह अलग अलग कीमत है, 20 लाख से 50 लाख के बीच कीमत रहती है इनकी अलग अलग मार्केट।